आटे को अच्छे से गूंद कर अपने हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहित खा जाने वाला ये है चीव चंद्र चूर नाथ। कट, 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 कट। छे। इस तरह बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, चप्पल की बारिश होगी। साइड प्लीज साइड। एक्शन। आटे को गूंद कर हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहित खाने वाला यह चीव चंद्र चूर नाथ। अरे कट 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 कट। अरे ये क्या है, इस तरह डायलॉग बोलोगे तो लोग सिनेमा हॉल में नहीं होटल में पहुंचेंगे। ठीक है सर, मैं नहीं बोल पाता तो आप ही बोलिए सर। मैं क्यों बोलूं, ये तो कला को भगवान मानने वाले वो बिहंगी जी ही बोल सकते हैं। सर मैं हूँ बिहंगी सर। बोलो सर। एक्शन बोलिए सर। एक्शन। आटे को गूंद कर हाथ से चपाती बनाकर प्लेट के साथ खा जाने वाला ये है चंद्र चूड़ा नाथ। फैंटास्टिक सुपर। ए जाओ जाकर इसके साथ थाली धोने का काम करो, टैलेंट इंप्रूव हो जाएगा। सर आप ही है हमारे फिल्म के हीरो। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस लंगूर जैसे दिखने वाले कोई हीरो बना लीजिए, आपके फिल्म को दूर से ही नमस्कार। जा जा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चल निकल जा। सर आपके इमोशंस देखे तो मैं सच में इंप्रेस हो गया। वैसे एक्टिंग में आपको इंटरेस्ट तो है ना? आज से ही नहीं, पैदा होने के पहले से ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। वेरी गुड सर, आई एम सो हैप्पी। क्यों, मेरा डायलॉग सुनने के बाद क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है इसके लिए। सर मेरे सिर्फ एक डायलॉग से आप इतने इमोशनल हो गए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट भरा है। आप चकरा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, सच कह रहा हूँ सर। दिखाओ सर। दिखाओ, तैयार हो जाइए। पुलिस एक शब्द नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है जिसके अंदर धधकता हुआ लावा होता है। चुराख बना दे। वाह क्या तारीफ की है खाकी की, ये स्टाइल ही काफी है दीवाना बनाने के लिए। सुपर। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये वाला देखिए सर। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मनमानी की तो मैं तुझे मार डालूंगा, तुझको भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा। तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, मैं वहाँ भी पहुँचाऊंगा। तू इंग्लैंड में भी ऐसे अटैक करेगी तो वहाँ के लोग भी ऐसे भीड़ लगा के देखेंगे। दुनिया में फालतू लोग बहुत हैं जिनको फ्री एंटरटेन चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंग्लैंड। महात्मा गांधी जी को जानती हो? पूरी दुनिया के लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं भी उनके बताए अहिंसा के रास्ते पर चलता हूँ, समझी? वरना तक मार डालता। तुझे पता है, तुझे पता है उन्होंने क्या कहा था? अभी दिखाता हूँ। ये देख, देखा तुमने, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये है हमारे गांधी का देश, हमारे इस देश में शांति, सौहार्द, संस्कृति सब कुछ है। यहाँ तक कि अगर उनके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो तो भी कुछ नहीं बोलते। ये देखो, ये है गांधी जी के असली फॉलोअर। इनके जैसे लोगों से ही इस देश में शांति सौहार्द सब बरकरार है। इनके लिए तालियां बजाओ सर। ये है हमारा देश, भारत देश महान। इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या डायलॉग है सर, यू आर अ रियल स्टार। बकवास बंद। हमारे दरबार में आकर हमारा आदर करने के बजाय हमारा अपमान कर रहा है मूर्ख। हर सही गलत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुझे नहीं। वाह वाह क्या एक्टिंग करते हैं आप, बात है कमाल की एक्टिंग। देखो देखो लास्ट है ना। बिल्कुल शिवराज कुमार लग रहा है। नहीं मैं हूँ सर, पूरे शरीर में मैंने भस्म लगाई हुई है, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। कहाँ थे सर? अभी तक तो पर्दे के पीछे था सर, आप लोगों की दुआ रही तो पर्दे के आगे आ जाऊंगा। अगर मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूंगा तो उस फिल्म के हीरो आप ही होंगे। थैंक यू सर। तुम्हारा स्क्रीन में मैं होगा बिहंगी किडनी। किडनी? क्यों, जॉनी लीवर नहीं है क्या, फेमस एक्टर, उनके लिए लीवर टाइटल कितना फायदा दे रहा है? तो किडनी से मुझे फायदा होगा सर। लेकिन प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट करने को तैयार ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, नए हीरो को लेकर फिल्म स्टार्ट करने पर कोई साथी नहीं देता, पुराने चेहरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे हम लोग? सर आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप इरादा कर लीजिए, फिल्म के लिए प्रोड्यूसर हमें मिल जाएगा। कैसे? सर आपके मामा वो बैंकॉक वाले बद्रीनाथ, हाँ। उनको अपनी वल्लारी माइनिंग एरिया वाली लैंड बेचनी है ना, अगर आप उसे बिकवा देंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। मैं क्रिएटर हूँ, मेडिएटर नहीं। सर ऐसी बात मत कीजिए सर, एक कोशिश कीजिए मेरी खातिर सर, अपने खातिर सर, और अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो क्या करूँ, स्क्रीन प्ले का काम छोड़कर बायर ढूंढता फिरूँ? बायर तो है मेरे पास। अच्छा कौन है वो? अपना मिनिस्टर नसीम है, समझो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, फटाफट कमीशन बताओ। सर 1% भी होगा तो 4 करोड़ बनते हैं। फिर वही चिंदी बात, टेक 2%, सिनेमा में ग्रैंजर होना चाहिए, ग्रैंजर। सर ये सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है यार, उस कमीने ने कितने की गर्दन मरोड़ कर पैसे बटोरे पता है? मुझे पता है। ये ईमानदारी की फीलिंग छोड़, बस तू फ्रेमिंग की तरफ ध्यान दे। ठीक है बिहंगी। बिहंगी किडनी, बिहंगी किडनी की।